नवनीत लाल प्यारे की जय। चिंता संता नहंतारो यत्पादां भुजरे नवः स्वीयानांता निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदा यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदा दुःख। हेलो। चिंता संता नहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह स्वीयानांतान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्दिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्वराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। नमो नमस्ते स्वऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्य साम्यातिशये नराधसा स्वधामनीय ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। अत्रैव विराजमान परम पूज्य बड़े दादाजी एवं पुष्टिधाम सत्संग मंडल से जुड़े हुए आप सब वैष्णव वृंद, सर्वप्रथम तो आज मेरे जन्मदिन की जिसने भी जो वैष्णव ने बधाई दी तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और आप सब वैष्णव जन का बड़ा बहुत बहुत आभार। आज मैं आपको श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के विषय में कुछ सुनाना चाहता हूं, तो आप सब ध्यान से श्रवण करना। यमुनाष्टक स्तोत्र की रचना शिवाचार्य जी महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय महावन के निकट श्रीमद जब आप श्रीमद गोकुल की शोध में जब आप परिभ्रमण कर रहे थे तब उस समय यमुना जी साक्षात यमुना जी ने प्रकट होकर श्री गोकुल का स्थान दर्शाया। तो उस समय की प्रसन्नता में श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से श्री यमुनाष्टक स्तोत्र निःसृत हुआ। श्री यमुना जी की स्तुति तो सभी करते हैं परंतु प्रभु की विविध लीलाओं में उपयोगी श्री यमुना जी का पुष्टि मार्गीय महात्म्य श्री वल्लभ के अतिरिक्त और कौन प्रकट कर सकता है। इसलिए श्री यमुनाष्टक स्तोत्र अति विलक्षण है। श्री यमुनाष्टक स्तोत्र में 9 श्लोक हैं। 8 श्लोकों में श्री यमुना जी के 8 ऐश्वर्यों का निरूपण किया गया है और 9वें श्लोक में श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का पाठ का फल निरूपण किया गया है।
श्री यमुनाष्टक स्तोत्र पे कई आचार्यों ने अपने भाव प्रकट किए, टीका का निरूपण किया। सर्वप्रथम प्रभुचरण श्री गोसाई जी ने यमुनाष्टक स्तोत्र पे टीका लिखी। फिर हरे श्री गोकुलनाथ जी ने यमुनाष्टक स्तोत्र पे टीका लिखी। फिर श्री हरिराय महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक स्तोत्र पे अपनी टिप्पणी लिखी। फिर पुरुषोत्तम जी ने यमुनाष्टक स्तोत्र पे अपनी टीका लिखी। फिर श्री द्वारकेश जी ने यमुनाष्टक स्तोत्र पे अपनी टीका लिखी। तो ऐसे कई आचार्यों ने श्री यमुनाष्टक स्तोत्र पे टीका लिखी है। तो आज मैं आपको श्री प्रभुचरण श्री गोसाई जी जो विवृत्ति है उसके ऊपर, उसके विषय में कुछ मैं सुनाऊंगा आपको। जब श्री प्रभुचरण श्री गोसाई जी अपनी विवृत्ति का प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रारंभ करने से पूर्व आप श्री मंगलाचरण कर रहे हैं, जो मंगलाचरण में श्री गोसाई जी ने श्री आचार्य चरण को नमन किया है। विश्वोद्धारार्थमेव आवर्भाव वृंदावन प्रियाः कृपायन्तु सदा दात चरणमयि विठले। अर्थात विश्व के उद्धार के लिए जो आविर्भूत हुए हैं ऐसे श्री वृंदावन प्रिय अर्थात श्री महाप्रभु जी, वहां पे श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी का नाम वृंदावन प्रिया क्यों लिया? क्योंकि श्री गोसाई जी आप सर्वोत्तम स्तोत्र में आज्ञा करिए हैं कि प्रिय व्रज स्थिति पुष्टि लीला करता रह प्रिय। और आप श्री वल्लभाष्टक में भी यह आज्ञा कर रहे हैं कि पहले प्रथम श्लोक में ही श्रीमद वृंदावन इंदुम प्रकटित रसिका नंद संदोह रूप पुरजत रासादि लीला मृत जलधि पराक्रांत सर्वोपि सश्वत् तस्य आत्मानुभाव प्रकट नरदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्या कृतिरति करुणास्तं प्रपद्ये हुताष्टम्। तो आप वल्लभाष्टक में भी आज्ञा कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे आचार्य जी महाप्रभु का नाम वृंदावन प्रिय, जिनको ब्रजभूमि श्री वृंदावन अति प्रिय है वो वृंदावन प्रिय। तो आगे की पंक्ति में आज्ञा कर रहे हैं कि कृपायन्तु सदा तात चरणमय विठले, कि मुझ पे विठल पे सदा ही कृपा करते रहना। और अब आप श्री अपनी विवृत्ति लिखने का प्रारंभ कर रहे हैं। और अब आचार्य चरण प्रथम श्लोक नमामि से आप यह प्रथम श्लोक स्तुति का प्रारंभ कर रहे हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटम् तटस्थनवकानना प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरा सुरसपूजितः स्मरपितु श्रियं बृहतिम्। अर्थात अब प्रभुचरण श्री गोसाई जी अपनी विवृत्ति में आज्ञा कर रहे हैं कि नमामि यमुनाम अहम्, अर्थात अहम् नमामि यमुनाम, मैं श्री यमुना जी को नमन कर रहा हूं। अब जो पूर्व पक्ष है उससे उसमें उनने एक शंका करी कि वहां पे श्री आचार्य चरण ने श्री यमुना जी को नमन ही क्यों किया, क्योंकि श्री आचार्य जी तो वस्तुतः कृष्ण एव, अर्थात श्री आचार्य जी तो श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है,
तो वहां पे श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी को कुछ भी प्रदान कर सकते हैं, तो आपने नभ नहीं क्यों किया? तब तो वहां पे वह शंका का निवारण करने के लिए श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि वह समस्त जगत को, समस्त दैवी सृष्टि को यह आप बताना चाह रहे थे कि हम प्रभु को और उनकी चतुर्थ प्रिया को नमन के अतिरिक्त और कुछ प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे नमामि से आपने स्तुति प्रारंभ करी। उसके बाद दूसरे चरण में आप आज्ञा कर रहे हैं कि सकल सिद्धि है तुम मुदा, अर्थात सकल सिद्धियों का दान करने वाली, और मुदा अर्थात प्रसन्नता से दान करने वाली। अनेकों प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, लौकिक सिद्धियां, वैदिक सिद्धियां, कर्म सिद्धियां, जैसे योगियों के लिए 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, तो ऐसे ही अनेक प्रकार की सिद्धियां बताई हैं गई हैं। और स्वयं भगवान भी श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में उद्धव जी को आज्ञा कर रहे हैं कि हे उद्धव, मैं जो अष्टादश जो मुख्य सिद्धियां हैं, तो जो वह अष्टादश मुख्य सिद्धियों के पीछे भागता है उसको मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो सिद्धियां हमको प्रभु से दूर ले जाती। मुझे एक प्रसंग का स्मरण आ रहा है जो मैंने अपने पितृचरण के प्रवचन में से श्रवण किया था कि एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने घर में विराज रहे थे, तो वहां पे एक योगी आए और उनने कहा कि रामकृष्ण जी, हमने आपके बारे में तो बहुत सुना है, आपने बहुत सिद्धियां प्राप्त करी है, तो बताइए आपने कौन सी सिद्धियां प्राप्त करी है। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने तो कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं करी। तब योगी ने कहा, क्यों? बाहर तो आपका यश बहुत फैला हुआ है, बहुत आपने सिद्धियां प्राप्त करी है। देखिए, मैं यहाँ पे उस पार से आया तो मैं जल पे चल के आया, ये सिद्धि मैंने प्राप्त करी है, और यह सिद्धि को प्राप्त करने में मुझे अपने 12 वर्ष बीतने पड़े, तब जाके मुझे जल पे चलने की सिद्धि प्राप्त हुई। तो बताइए आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है? तब रामकृष्ण परमहंस, जब यह चर्चा चली रही थी, इतनी देर में वहां पे ग्वाला आया जो रोज रामकृष्ण जी को दूध देने आता था। तो वहां पे ग्वाला आया तो रामकृष्ण जी ने वह ग्वाले से पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आए, कहाँ से आए? तब ग्वाले ने कहा कि मैं तो गंगा जी के उस पार से आया हूँ। तब रामकृष्ण जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम कैसे आए? तब वह वाले ने कहा कि मैं नाव से आया। पर रामकृष्ण जी ने तीसरा प्रश्न किया कि वह नाव वाला क्या लेता है? तब वह ग्वाले ने कहा कि वह नाव वाला एक आना दो आना लेता है। तब रामकृष्ण जी ने वह योगी से कहा, जो कार्य एक आने की है उसके लिए आपने अपने 12 वर्ष क्यों बिता दिए? पाओ तो भगवान की भक्ति पाओ, उसमें ही सुख है। तो अपन
अगर सिद्धियों के पीछे पड़ते हैं तो अपन को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ पे जो आचार्य जी सकल सिद्धियों की बात कर रहे हैं, वह दैवी जीवों की सकल सिद्धि, अलौकिक सकल सिद्धियां हैं, आदिदेविक सकल सिद्धियां हैं। और यह सिद्धियां अब यहाँ पे पहली सिद्धि बताई है कि हमको अलौकिक देह की प्राप्ति, भगवत सेवा में उपयोगी अलौकिक देह की प्राप्ति। आप वार्ता जी में प्रसंग देखे हैं, 252 में श्री गोसाई जी की सेवकनी किशोरी बाई का प्रसंग आता है कि जब किशोरी बाई जब छोटे थे तब उनके पिता ने बचपन में उन्हें पूरा यमनाष्टक स्तोत्र पढ़ाया था, और नव वर्ष में उनका ब्याह हुआ, और ब्याह के पश्चात थोड़े दिन बाद ही उनका पति मर गया, फिर उसके पिता मर गए, तो फिर किशोरी बाई भी, उनको भी रोग आ गया, वो भी बीमार पड़ गए। उनको कान से सुनाई नहीं देता था, पांव से वह चल नहीं सकते थे, हाथ से कुछ कर नहीं सकते थे, और उनकी टहल करने उनकी बहन आती थी, और वह बहन भी बड़ी ही परेशान हो गई थी, उनको भी यह सेवा नहीं करनी थी। और वह रोज यह यमनाष्टक स्तोत्र तो उन्हें अब पूरा याद नहीं रहा, तो वह रोज आधे श्लोक का पाठ करते थे। कौन सा आधा श्लोक? कि विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृप जलधि संशते मम मनः सुखं भावय। तो रोज किशोरी बाई यह आधे श्लोक का पाठ करते थे। और एक दिन की बात है कि श्री यमुना जी मैले वस्त्र धारण करके वह किशोरी बाई की बहन के घर पधारे, और वहां पे कहा कि अब तुम किशोरी बाई की टहल मत करना, अब मैं करूंगी उनकी टहल। तब उनकी बहन ने कहा कि ठीक है, अब मैं भी यही चाहती थी, अब तुम ही उनकी टहल करो। तब रोज श्री यमुना जी अपने हाथ से रसोई करती, और किशोरी बाई को वह रसोई अपने हस्त से ही खिलाती। तो ऐसी श्री यमुना जी आप अपने किशोरी बाई पे कृपा करती। और फिर एक दिन की बात है कि श्री गुसाई जी वह गांव में पधारे, वहां पे आपने सत्संग किया, और जब श्री गुसाई जी आप विश्राम कर रहे थे, तब आप ये सपने में श्री गोवर्धन नाथ जी पधारे और आज्ञा करी कि यहाँ पे किशोरी बाई का भी घर है, तो वहां पे आप जाओ और उसे अलौकिक भगवत सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति करवाओ, उसका उद्धार करो। तब श्री गोसाई जी किशोरी बाई के घर पधारे, और किशोरी बाई के जब अंग अंग पे श्री गोसाई जी की दृष्टि पड़ी, तब किशोरी बाई को अलौकिक भगवत सेवा में उपयोगी भगवत देह की प्राप्ति हो गई। और जब श्री गोसाई जी की दृष्टि श्री यमुना जी पे पड़ी, तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि भाग्य है तेरे किशोरी बाई, जो श्री यमुना जी तेरी सेवा कर रहे हैं। तो विचार करो वैष्णवो, जो श्री यमनाष्टक स्तोत्र का आधा पाठ करे, उस पे श्री यमुना जी इतनी कृपा करते हैं, तो जो श्री यमनाष्टक स्तोत्र का पूरा पाठ करेगा तो उस पे कितनी कृपा करेंगे, आप ये विचारो। तो और श्री यमुना जी की
श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का जो नित्य पाठ करे उस पे श्री यमुना जी कृपा करते हैं, तो हमको नित्य नियम से श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब आगे जो दूसरी सकल सिद्धि श्री गोसाई जी बता रहे हैं कि पहली तो भगवत सेवा में उपयोगी अलौकिक देह की प्राप्ति, दूसरी हम सदा ही भगवत रस का आनंद लेते रहें, तीसरी कि हमारे मन के अंदर प्रभु के प्रति आरती जागे, चौथी कि हम हमारे मन में सदा ही प्रभु वास करें, हमको सदा ही प्रभु का स्मरण रहे। तो यह चार सकल सिद्धि श्री आचार्य जी की कृपा, श्री आचार्य जी के अलावा श्री यमुना जी ही प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हमको श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए। और फिर आप श्री गोसाई जी आगे की पंक्ति की टीका आप लिख रहे हैं, और यहाँ पे श्री यमुना जी सकल सिद्धियों का दान कैसे करते हैं, तो वहां पे मुदा शब्द का अर्थ है कि प्रसन्नता से। तो श्री यमुना जी चार सकल सिद्धियों का प्रसन्नता से दान करते हैं, और ये जो मुदा शब्द है वो बड़ा मुख्य है। अब कोई जीव को उनके गुरुचरण के द्वारा आज्ञा दी, आज्ञा मिले, तब वह जीव पे निर्भर करता है कि वह आज्ञा को अपने भाग्य मान के प्रसन्नता से पालन करे कि अब गुरुचरण ने आज्ञा करी है तो अब मुझे वह करना पड़ेगा, नहीं तो आप श्री अप्रसन्न हो जाएंगे, इस भाव से वह जीव आज्ञा का पालन करे। तो इन दोनों में भेद है, अब आप ही बताइए वैष्णवो कि कौन सा भाव श्रेष्ठ है, प्रसन्नता से करे वो ही ना। तो हमको तो ये जो चार सिद्धियां हैं वो हमको श्री यमुना जी प्रसन्नता से प्रदान करती हैं। अब आगे की आगे के पद में आप आज्ञा कर रहे हैं कि मुरारी पद पंकज, अर्थात मुरारी के पद पंकज, मुरारी के चरण की रज। अब वहां पे श्री ठाकुर जी का नाम मुरारी ही क्यों वहां पे आया, मुरारी से क्यों श्री गोसाई जी ने संबोधित, श्री आचार्य जी ने संबोधित किया। तो श्री गोसाई जी अपने विवृत्ति में आज्ञा कर रहे हैं कि जो मुर नामक जो देते था और जो खोमा छोड़ने श्री ठाकुर जी की 16,100 कन्याओं का जो अपहरण कर लिया था और उसका सहायक जो मुर देते था उसके शत्रु, तो श्री ठाकुर जी ने उन दोनों का उद्धार किया और वह कन्याओं का स्वीकार किया। तो मुर नामक देते के शत्रु, इसलिए वहां पे श्री ठाकुर जी का नाम मुरारी पड़ा। और वह मुर नामक देत्य भगवत रस में विलंब करवा रहा था, भगवत रस की प्राप्ति के लिए विलंब करवा रहा था। तो वह मुर देत्य के शत्रु, इसलिए वहां पे ठाकुर जी का नाम मुरारी, वहां पे मुरारी से ठाकुर जी को संबोधित किया। तो मुरारी पद पंकज, तो श्री यमुना जी में मुरारी के पद पंकज और ब्रज सुंदरियां, अर्थात जो गोपियों के चरण रज हैं, तो श्री यमुना जी में श्री ठाकुर जी के रज और श्री गोपियों के रज जल से भी अधिक है। तो ऐसी श्री यमुना जी, ऐसे श्री यमुना जी को मैं नमन करता हूँ। जब श्री ठाकुर जी यमुना जी के तट पे
चल विहार, रस रास आदि लीला करते हैं। तब श्री ठाकुर जी की रज एवं गोपियों की रज श्री यमुना जी में प्रवेश करती है। तो ऐसी श्री यमुना जी को मैं नमन कर रहा हूं। अब आप तीसरे पद में श्री यमुना जी का तट कैसा है, तो उसके बारे में आप शाचा शरण आज्ञा कर रहे हैं कि तटस्थ नवकानन, अर्थात तट पे जो स्थिर है उसे तटस्थ कहते हैं। तो तटस्थ नवकानन, तट पे जो नवीन वृक्ष है, जो नवीन वन है, तो श्री यमुना जी के तट की जो वृक्षावली है, वह वृक्षावली में जो फूल आते हैं, तो श्री यमुना जी में जो फूल आते हैं, तो वह तदस्त नवकानना प्रकट मोद पुष्पांबुना। तो वह जो पुष्प में जो सुगंध है, उसे वायु क्या कर रहा है कि वह वायु सुगंध लेके श्री यमुना जी में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसी श्री यमुना जी को मैं नमन करता हूँ। और अब आप चौथे पद में आज्ञा कर रहे हैं कि सुरासुर सपूजित, तुर और असुर से वह पूजित है। सुर अर्थात वहां पे अगर अपन दूसरा भाव देखें तो सुर अर्थात देने भाव वाली गोपियां और असुर अर्थात मान भाव वाली गोपियां। तब तो श्री यमुना जी उनसे भी सुपूजित अर्थात वह पूजित हैं। और स्मरपि तो श्री अम्रभ्रतेम, अर्थात स्मर अर्थात कामदेव, पितु मतलब कामदेव के जो पिता, अपन वह भागवत जी में प्रसंग देखे कि जब शिव जी तप कर रहे थे और कामदेव ने उनकी तपस्या को खंडित किया और शिव जी को क्रोध आया और फिर उनकी तीसरी आंख खुली और उनने कामदेव को भस्म कर दिया। और फिर जो कामदेव की पत्नी थी रति, उनने भगवान से विनती करी के मेरे पति को दंड मत दो। तब भगवान ने कहा कि यह कामदेव अगले जन्म में मेरा पुत्र होगा। तो फिर वह कामदेव अगले जन्म में प्रद्युम्न जी रूप से भगवान के पुत्र हुए। तो स्मर अर्थात कामदेव, तो कामदेव के जो पिता हैं, स्मर पितु श्रियम ब्रभ्रतिम, श्रियम अर्थात शोभा, बिभ्रतिम अर्थात धारण करने वाली। तो कामदेव के पिता भगवान श्री कृष्ण की शोभा धारण करने वाली ऐसी श्री यमुना जी को मैं नमन करता हूँ। तो इस प्रकार श्री आचार्य जी ने प्रथम श्लोक में यमुना जी के स्वरूप का वर्णन किया और श्री गोसाई जी ने अपनी विवृत्ति में उसे हमारे लिए और सरल बनाया। तो बस ज्यादा ना कहते हुए हम श्री यमुनाष्टक स्तोत्र का नित्य पाठ करें और जो चार सिद्धियां थी उन्हें यमुना जी की कृपा से हम उन्हें प्राप्त कर सकें। और जो वल्लभ की कृपा से यथा मति, मैं तो बालक हूं, ये विवृति तो और भी सुंदर है। तो श्री जोशी वल्लभ की कृपा से मैंने जो प्राप्त किया वो मैंने आपके सामने अपनी वाणी पवित्र करी। तो जो दूसरा श्लोक है आगे का श्लोक, तो जब मौका मिलेगा तब हम उसका भी श्रवण करेंगे। तो बस
चंदना कहते हुए मैं अपनी अपने बाग पुष्पों को श्री यमुना जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री वृषाधीश जी लालन प्यारे की जय। प्रणाम जय जय। वल्लभाधीश की जय। शरीराय प्यारे की जय। हवे बधा वैष्णव वती हेलो हवे बधा वैष्णव वती अवाज आवे छे हवे हेलो हाँ संभाई हाँ तो हमें बता वैष्णव वती पूज्य श्री हरिराज महोदय श्री ने विनंती करिए कि 41 बड़े शिक्षा पत्र 5 ना श्लोक विचे आशीर्वचन आपसे और हमने बताने लाभान्वित श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। बोलो गोकुल के रसिया की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत् प्रभुर्नन्द
कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। श्री वाक्पतये नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। उपस्थित चिरायुष्मान श्री व्रजाधीश जी लालन बाबा, सर्वप्रथम एमना जन्म दिवसनी समस्त वल्लभ वैष्णव सृष्टि ने खूब खूब मंगल बधाई। पूर्वमा चिरायुष्मान लालन बाबाए खूब ज ओछा समय में संक्षिप्त में पोताना विषय ने प्रस्तुत कर्यो। श्री यमुना स्टक श्री आचार्य महाप्रभु जी जे प्रकट कर्यो छे इनु तो प्रत्येक वैष्णव वांचन करता ज होय छे, परंतु ए आचार्य नी वाणी ने समझवू अने ए समझीने एना अनुरूप चालू ए अत्यंत आवश्यक छे। श्री गोसाई जी श्री द्वारकेश जी कृत टीका ऊपर चिरायुष्मान लाल ने खूब सुंदर तैयारी साथे वैष्णवों ने लाभ आप्यो। आनंद प्रसन्नता श्री पुष्टिधाम हवेली द्वारा दर शनिवारे छेल्ला घणा समय थी नित्य निरंतर भगवद सत्संग नो क्रम चाली रह्यो छे। वैष्णव हवेली मां आवे अने रसिया प्रभुना दिव्य सानिध्य मां भगवद सत्संग ने पामे, परंतु वर्तमान समय वर्तमान परिस्थिति ने ध्यान में राखीने गत शनिवार थी वच्चे लॉकडाउन ना समय में पण आपणे ऑनलाइन सत्संग प्रारंभ कर्यो हतो, पण फरी वखत ज्यां सुधी प्रतिकूलताओ अनुकूलता में न बदलाई जाए त्यां सुधी आ रीतना आपणे बधा भेगा थता रहेशुं। खूब सुंदर सत्संगनो क्रम छे, माध्यम कोई पण होय पण सत्संग आवश्यक छे। ए तो रसिक महासुख माने रे, सत्संग
कौन पामी शके जे रसथी भरेला छे जेने सत्संग प्रिय छे जेने सत्संग सांभळवो गमे छे जेने सत्संग मा आनंद आवे छे अथवा तो एम कहिए कि जे श्री वल्लभना अत्यंत प्रिय वैष्णवो छे एज नित्य निरंतर सत्संग ने पामी शके छे। एक वस्तु याद राखो वाला वैष्णवो, आज समय आपड़ो छे, जेटली घड़ी आपड़े भगवद नाम लईए छीए, भगवद सत्संग करीए छीए, श्री ठाकुर जी नू सानिध्य मेळवीए छीए, श्री वल्लभ नू सानिध्य मेळवीए छीए कि पछी भगवदीओ नू सानिध्य मेळवीए छीए, एज समय साचो समय छे, एज समय आपड़ो समय छे। एम कही शकाय के आज समय वावणी नो समय छे। खेडूतो ए समझी सके के वावणी कोने कहेवाय, जो बीज होते हैं उसको भूमि में उसको बोया जाता है, तो समयांतर फल स्वरूप जब वो फलीभूत होता है तो वो बीज का फल प्राप्त होता है। तो आज सत्संग जो है, यो मानो प्रियजनों, क्या वावणी नो समय छे, आज समय आपड़ो छे। मने एक प्रसंग नु स्मरण थई रह्यु छे। एक नगर ना राजा खूब सत्कर्म करता, दान पुण्य, अने एना ए सत्कर्म थी, एना ए दान थी, एना जे प्रधान हता एने गमतु नहीं। मनोमन विचार करता, प्रधान बोली तो न सके पण मनमा विचार करे के जो आवी ने आवी रीते राजा दान करता रहेशे तो भंडार खाली थई जशे। एक दिवसनी वात छे, राजा ने प्रधान क्यांक स्थान उपर बैठा हता ने राजाए पोताना अंतरनी वात प्रधान जी ने कही, प्रधान मारा उपर प्रभुनी केटली कृपा छे, क्यों आटलू सत्कर्म करी शकुं छुं, आटला लोकोने हुं दान करी शकुं छुं अने ए दान ने लेवा वाळा पण मने मळी जाय छे। दान देवा वाला होय पण जो सामे लेनार न होय तो केवी स्थिति बने। अहींया राजा पोतानो अहोभाव प्रकट करी रह्या छे के हे प्रधान जी, खरेखर मारा उपर भगवान नी केवी कृपा के मारू मन ए उत्तम छे, मने दान देवानु सत्कर्म करवानु मने मन थाय छे अने मने मारा એ દાનને સ્વીકારનાર વ્યક્તિ પણ મને મળી જાય છે। પ્રધાનજી ઉત્તર આપ્યો કે રાજાજી, જ્યાં ગોળ હોય ને ત્યાં માખી આવે। રાજાએ શું કહ્યું તે વખતે તો એને કોઈ ઉત્તર ના આપ્યો, પણ મનમાં વિચાર કર્યો કે ક્યારેક સમય આવશે ત્યારે આનો ઉત્તર આપીશ, જ્યાં ગોળ હોય ત્યાં માખી તો આવે જ। એક દિવસ મધ્યરાત્રિએ રાજાએ કોઈ સેવકને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે જાઓ પ્રધાનજીને બોલાવી આવો, ધ્યાન આપો। એ સેવક દોડતો દોડતો પ્રધાનજી પાસે આવ્યો, રાત્રિનો સમય છે। પ્રધાનજીને જગાડ્યા અને કહ્યું કે રાજાજી બોલાવે છે, હમણાં ને હમણાં તમે હાજર થાઓ। પ્રધાનને બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યું કે આ મધ્યરાત્રિ રાત્રિના સમયે કઈ આટલી બધી ઇમરજન્સી, કોઈ આપત્તિ તો આવી નથી પડી ને, કોઈ વિપદા કોઈ કષ્ટ તો નથી આવ્યું ને। દોડતા દોડતા પ્રધાનજી રાજાના કક્ષમાં આવ્યા
राजा ए प्रधान ना आव्या पछी प्रधान नी सामे गोड़ नो ढगलो कर्यो कयो प्रधान जी बताओ माखी क्या छे तमे कहता हता ने ज्यां गोड़ होय त्या माखी आवे आ गोड़ नो ढगलो में तमारी सामे कर्यो छे हवे बताओ माखी क्या छे प्रधान जी उत्तर आपे हंसता हंसता राजा जी ये तो दिवस होय ने तो माखी आवे राजाए तरत ज उत्तर आप्यो के प्रधान जी हूँ आज केवा मांगो छु आजे मारो दिवस ये तो दिवस होय त्यारे ज सत्कर्म करवानू मन थाय दिवस होय त्यारे ज भगवत नाम भगवत सत्संग पामवानू मन थाय जारे जारे आपणे सत्संग मां होय ने त्यारे त्यारे आ प्रसंग નું સ્મરણ થઈ આવવું જોઈએ આ રાજાના એ વાક્યનું સ્મરણ થઈ આવવું જોઈએ એ તો દિવસ હોય તો માખી આવે જ્યારે જ્યારે આપણે સત્સંગમાં હોઈએ પ્રિયજનો ત્યારે ચોક્કસ એ વાત માનવી કે આજે મારો દિવસ છે આજે મારા ઠાકોરજીની મારા ઉપર કંઈક વિશેષ એક કૃપા છે અનુગ્રહ હૈ કે મુજે યે સત્સંગ કા દુર્લભ લાભ મિલ રહા હૈ સત્સંગ દુર્લભ છે પ્રિયજનો અને જ્યારે જ્યારે સત્સંગ મળે ત્યારે સાવધાની પૂર્વક જે પણ કઈ શ્રવણ કરીએ એના અનુરૂપ ચાલવાનો પ્રયત્ન એના અનુરૂપ આપણે આપણા જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરો કેવલ સુનના હી પર્યાપ્ત નહીં હૈ સત્સંગ સાંભળી લીધું એટલે થઈ ગયું નહીં કેવલ સુનના હી પર્યાપ્ત નહીં હૈ શ્રવણ પછી એના અનુરૂપ મારું જીવન બને જે પણ ભગવદ આજ્ઞા છે જે પણ ભગવદીઓની આજ્ઞાઓ છે બસ એ આજ્ઞાના અનુરૂપ હું ચાલતો થઉં એ વિનંતી સાથે એ ભાવ સાથે પ્રિયજનો સત્સંગમાં બેસવા એક સુંદર મજાનો આ શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલી દ્વારા આ સત્સંગનો ક્રમ જેમાં મંગલાચરણ યમનાષ્ટક 252-284 ભગવદીઓની વાર્તાજી અને મારા ભાગમાં એમ કહું શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ ની વાણી શિક્ષાપત્ર આપણા સત્સંગના ક્રમમાં જેમ હમણાં જ પૂર્વમાં કહેવામાં આવ્યું કે પાંચમું શિક્ષાપત્ર ચાલી રહ્યું છે ક્રમશઃ આપણે પ્રારંભથી શરૂ કર્યું હતું પહેલેથી અને અત્યારના આપણા ક્રમની અંદર પાંચમું શિક્ષાપત્ર ચાલી રહ્યું છે જેનો વિષય વિચાર કરીએ જે પણ નવા વૈષ્ણવો છે એને ખ્યાલ નહીં હોય કે ગયા વખતે આવ્યો હતો પણ સંક્ષિપ્તમાં જો આ સાર રૂપ આ શિક્ષાપત્રનું જો વિચાર કરીએ તો આ પાંચમા શિક્ષાપત્રમાં 10 શ્લોકમાં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી વિરહ ભાવનું પ્રતિપાદન કરી રહ્યા છે કે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં વિરહ ભાવ મુખ્ય છે વિરહ ભાવ એટલે શું કેવલ રડતા રહેવું દુખી રહેવું એ વિરહ ભાવ નથી બે પ્રકારનો વિરહ આપણે વિચારી શકાય એક બાહ્ય વિરહ અને એક આંતરિય વિરહ સાધારણ જીવને જે વિરહ છે એ બાહ્ય વિરહ છે અને જે ભગવદ ભક્ત છે ગોપીજનો છે એમને જે વિરહ થઈ રહ્યો છે એ આંતરિય વિરહ છે બીજા બે પ્રકાર બતાવું એક વિરહ છે સંસારનો વિરહ અને બીજો વિરહ છે પ્રભુનો વિરહ
साधारण जीव साधारण कक्षा ना जीव ने जे विरह थाय छे संसार नो विरह थाय छे के मने आ वस्तु क्यारे मळशे। भौतिक वस्तुओं नो जे विरह छे ए सांसारिक विरह छे। सारू घर मळे, धन मळे, सारो परिवार मळे, ए जे विरह छे प्रियजनों ए भौतिक विरह छे। भगवत भक्त ने आ लौकिक भौतिक विरह प्रकट नहीं थतो। एमनो विरह प्रियजनों भगवत प्रत्यर्थ होय छे। भगवत दर्शन क्यारे थाय, सत्संग क्यारे मळे, हूँ सन्मुख क्यारे थाउ, घड़ी बे घड़ी भगवत नाम क्यारे लउ, आ प्रकार जे विरह छे ए भगवतीनो विरह छे। घणा घणा विरह प्रकार छे जे शब्द भागवत अंतर्गत एनी चर्चा खूब विस्तारथी करवामां आवी छे। देशांतर विरह, पलकांतर विरह जे गोपीजनो ने थई रही छे, गोपीजनो नो जे विरह छे, देशांतर विरह के प्रभु एक वन माथी बीजा वन मा पधारे छे त्यारे गोपीजनो ने देशांतर विरह थाय छे, हवे प्रभु ना दर्शन क्यारे थाय। पलकांतर विरह के आ पलक जोखे इतली क्षण पण जो श्री ठाकुर जी ना दर्शन नो थाय, गोपीजनो ने एवो विरह थई रह्यो छे, ए पलकांतर विरह छे। श्री हरिराय महाप्रभु विरह भाव प्रकट करवा माटे कया कया साधन नी आवश्यकता छे एनू निरूपण आ शिक्षा पत्र नी अंदर आप करी रह्या छे। बहु स्पष्ट आपनी आज्ञा छे कि ज्यारे जीवमां विरह भाव प्रगट थशे परिणाम स्वरूप दीनता एना हृदयमां प्रगट थशे। શ્રી હરરાયજીની સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે કે શીતળ ભાવ, આપ જો બીજા શ્લોકના દર્શન કરો, અત્યારના આપણે તો 10મો શ્લોક લેવાનો છે પણ હું સાર રૂપ જો વિચાર કરીએ કે એક છે વિરહ ભાવ અને બીજું છે શીતળ ભાવ। શ્રી હરરાયજીએ શીતલ ભાવને શત્રુ રૂપ જાણ્યો છે। આપણા ભીતર રહેલો જે શીતળ ભાવ છે માનો એ જ શત્રુ છે જે આપણને આગળ નથી આવવા દેતો। કોઈ વાંધો નહીં, થઈ જશે, કોઈ વાંધો નહીં, હજી તો ઘણો બધો સમય છે, પછી કરી લેશું, આજે વિચાર છે એ જ શીતળ ભાવ છે। અને શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુના શબ્દોમાં કહીએ તો મહાબાધક છે। મનમાં વિચાર આવે, રાત્રિનો સમય છે અને વિચાર આવે કે સવારે ઠાકોરજીને સામગ્રી ધરાવી છે અને કોઈ કારણસર આપણે પહોંચી ન શકીએ અને મનમાં વિચાર કોઈ વાંધો નહીં, ચાલો આજે સિદ્ધ નથી થઈ ને કાલે સિદ્ધ કરું, આ શીતળ ભાવ છે। સેવા કરતા હોય એ વૈષ્ણવ આ વાતને સમજી શકે છે। સાંજના સમયે વિચાર આવે, ભગવત સત્સંગ કરતા હોય અને કોઈ સવારે તો ઠાકોરજીને મંગળા મારે જ કરાવવા છે અને કોઈ કારણસર ઉઠાયું નહીં અને પછી વિચાર કરીએ કોઈ વાંધો નહીં, એ ઠાકોરજીને મંગળા ન કરાવ્યા, આવતીકાલે કરાવશું, આ શીતળ ભાવ છે। ભગવદ નામ લેતા લેતા ઘણી વખત મનમાં સત્સંગની અંદર સંકલ્પ પ્રગટ થાય કે હવે મારે નિયમ લેવો જ છે કે રોજ પ્રતિદિન 3 માળા ભગવદ નામ અષ્ટાક્ષર મંત્રની કરવી છે, પણ સવાર પડતા જ લૌકિક કાર્યની અંદર એટલા બધા આપણે વ્યસ્ત થઈ જઈએ કે સમય ન મળે
અને ત્યાં એ ભાવ પ્રગટ થાય કે કોઈ વાંધો નહીં, આજે નથી કરીને આવતીકાલથી કરશું. આ શીતળ ભાવ છે, અને શીતળ ભાવ પ્રિયજનો મહાબાધક છે. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ તો વિરહ તાપક ક્લેશનો માર્ગ છે. યાદ કરો એ પ્રસંગ, ગોસાઈજી હાંસી ઠઠા કરી રહ્યા હતા ને ત્યાં દમદાજીએ કહ્યું, અરે यह अपनो मार्ग तो ताप विरह तापक क्लेश को मार्ग है, हासी खेल को नहीं है. ये मार्ग तो तापक क्लेश को मार्ग है. या ठाकुर जी माटे भगवत सत्संग माटे भगवत दर्शन माटे विरह नती थतो, ताप प्रकट नती थतो, त्यां सुधी एक कृपा थी आपणे घणुं दूर छे. श्री आचार्य जी જ્યારે શ્રી પરમાનંદ દાસજી ના ઘરે પધાર્યા અને આશ્રી આજ્ઞા કરી કે પરમાનંદ દાસ કહો લીલા કો વર્ણન કરો, અને જ્યાં શ્રી પરમાનંદ દાસજીએ એ પદ ગાયું, હરી તેરી લીલા કી સુધી આવે, અને જ્યાં આ શબ્દ શ્રી આચાર્યજીએ સાંભળ્યા, આ પદ નું શ્રવણ કર્યું, આપને મૂર્છા આવી ગઈ. ત્રણ દિવસ આપ એ પ્રભુના વિરહ ભાવમાં મૂર્છિત રહ્યા. વિરહ ભાવ દ્વારા જ પ્રિયજનો દીનતા દિન્ય ભાવ પ્રગટ થશે. પુષ્ટિ માર્ગ એ કેવા જીવોનો માર્ગ છે, જેમનું હૃદય માખણ જેવું કોમળ હોય, એમનું હૃદય શિલા જેવું કઠોર હોય, એમનું કાર્ય નથી, એમનું એમનું કામ નથી. પણ જેનું હૃદય માખણ નવનીત જેવું કોમળ હોય, એ જ જીવ આ પુષ્ટિ માર્ગમાં ગતિ કરી શકે છે. ખૂબ સુંદર આ પાંચમા શિક્ષા પત્ર ની અંદર વિરહ ભાવ એ મુખ્ય, શીતળ ભાવ એ મહાબાધક, અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર નું સતત સ્મરણ જે શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે એ પણ આપે. અષ્ટાક્ષર મહામંત્રો વ્યક્તવ્ય ઇતિ નિશ્ચય કહીને સાતમા શ્લોકમાં પણ આજ્ઞા કરી. આવો આજનો જે ક્રમશઃ જે શ્લોક ચાલી રહ્યો છે એ ઉપર આપણે વિચાર કરી સંક્ષિપ્તમાં, કારણ કે ઘણો સમય થઈ ગયો છે એટલે સંક્ષિપ્તમાં એનો વિચાર કરી. પાંચમો શિક્ષા પત્ર ઓર શ્લોક ક્રમાંક 10. યથા કથંચિત કર્તવ્યો વ્યવહારો હિ લૌકિક અપકીર્તિર્ભયાતેન બુદ્ધિ શૈથિલ્ય સંભવા યથા કથંચિત કર્તવ્યો વ્યવહારો હિ લૌકિક. રાયજી આજ્ઞા કર રહે હૈ કે અપકીર્તિ કે ભય સો થોડો બહોત લૌકિક વ્યવહાર કરનો ધ્યાન દો. કાહે તે જો અપકીર્તિ કરકે બુદ્ધિ મેં શિથિલતા હોય વે કો સંભવ હૈ. શ્રી ગોપેશ્વરજી ટીકામાં આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે વિપ્રયોગ આરતી કો સ્મરણ તબ હોય જબ લૌકિક વૈદિક કાર્ય છૂટે. શ્રી ગોપેશ્વરજી અહીંયા સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુની એ વિરહ ભાવના આપણી અંદર ક્યારે પ્રગટ થાય, કે જ્યારે લૌકિક અને વૈદિક કાર્ય છૂટે. જબ હમ લૌકિક ઓર વૈદિક કાર્ય કો ગૌણ માને, ભગવદ કાર્ય કો મુખ્ય માને, તબ વો વિરહ ભાવના હમારે ભીતર પ્રગટ હોયગી. સો સંસાર મેં રહી કે સબ કર્યો ચાહે કાહે તે
जो लौकिक वैदिक कार्य छोड़े तो लोक में अपकीर्ति हो, लोक बुरो कहें, तब अपने क्षोभ करी क्रोध होए तो अपने मार्ग में ते बुद्धि शिथिल होए, ताते लोगन की अपकीर्ति के भय ते कछु थोड़ो सो लौकिक वैदिक कार्य करें, जामे अपनो धर्म गुप्त राखें, मन व्यवहारिक में न लगावें, दो चाहे चार घड़ी व्यवहार करें, यह सिद्धांत है। जो बहुत भारी सुंदर आज्ञा अहिया शेरराय जी आ श्लोक नी अंदर करी रहा है, बहुत प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल आज के समय के अनुरूप आज्ञा है। साधक बनो प्रियजनों, बाधक मत बनो। पहली बात, अपनो धर्म, अपनो धर्म कोई के लिए बाधा रूप बन जाए, कोई के लिए आवरण रूप बन जाए, ऐसे इससे व्यवहार नहीं करना। यहां श्री गोपेश्वर जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक वैदिक पण मन रहित करवु आवश्यक छे, नहीं तो अपकीर्ति थशे। हम परिवार को छोड़ नहीं सके, हम संसार लौकिक संसार कामकाज को भी छोड़ नहीं सके। तो देखो, छोड़ भी दियो तो क्या होएगो, शु थशे, स्पष्ट आ गया है, अपकीर्ति थशे। लोग को कहवे को एक विषय मिल जाएगो, जे स्वजन हो छे, मित्र मंडल हैं, जो परिचित हैं, परिवारजन हैं, उनको कछु कहवे को एमने कहीं कहवानो अवसर आपसु आपसे आपरे तिना स्पष्ट आ गया है कि लौकिक और वैदिक जो हैं वामे मन नहीं रख करनो, लेकिन मन रहित करनो। मानो श्री आचार्य महाप्रभु ने ये आज्ञा ने अहिया शरीराय जी प्रगट करी रहा होए, जे आज्ञा श्री आचार्य चरणे पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ नी अंदर करी छे, लौकिकम वैदिकम कापट्यातेषु नान्यथा वैष्णवत्वम् हि सहजम् ततोऽन्यत्र विपर्यय लौकिकत्वम् वैदिकत्वम्। श्री आचार्य महाप्रभु जी ए पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ नी अंदर स्पष्ट आज्ञा करी छे कि लौकिक अने वैदिक केवी रीते करवू, कि कपट युक्त करवू। जेम भगवद कहे छे, जगत जाने आछे जंजारी राखे प्रीतम सोतारी। दयाराम भाई, कि जगत जाने आछे जंजारी राखे प्रीतम सोतारी। जगत ना जीव ने तो एमज थाय कि आ तो जंजारी, आ तो सांसारिक जीव छे, आनाथी मोटो दुष्ट अपराधी तो कोई बीजो छे ज नहीं। पर प्रभु जानता होय, श्री ठाकुर जी जानते हो क्या लौकिक वैदिक करे छे तो कपट युक्त करे छे। वार्ता प्रसंगन में तो घना घना प्रसंगो प्रियजनों आपरे જોઈએ જ છીએ, અત્યારનો તો એટલો બધો સમય નથી, પણ ગોવિંદાસ ભલ્લાની વાર્તા આપ જુઓ, જે ભિક્ષા માંગવા જતા તો માલા અને તિલક કાઢીને જતા, પોતાનું વૈષ્ણવત્વને પણ છુપાવીને એમના લૌકિક કાર્યની અંદર એ ભિક્ષા માંગવા જતા। आप जो मुकुंदास जी नी वार्ता, चौपट खेलता
પણ અન્ય માર્ગી સાથે સત્સંગ ભગવદ વાર્તા ક્યારે કથા ક્યારે ન કરતા, પોતાનો ભગવદ ધર્મ છુપાવતા. આપ જો નારણદાસ લુહાણાની વાર્તા, જેલમાં હતા પણ પોતાનું એ વૈષ્ણવત્વ, પોતાનું ધર્મ, એના ત્યાંના હાકીમે એમને જેલમાં પૂર્યા, છતાં પણ પોતાનો ભગવદ ધર્મ, વૈષ્ણવ ધર્મ એમણે છુપાવ્યો છે. અને એવા તો ઘણા ઘણા પ્રસંગો પ્રિયજનો આપણે એની ચર્ચા કરી શકીએ, પણ સંક્ષિપ્તમાં જો વિચાર કરીએ કે લૌકિક વૈદિકનો ત્યાગ નથી કરવાનો, લૌકિક વૈદિક કાપટ્ય યુક્ત કરવાનું છે, મન રહિત કરવાની આજ્ઞા અહીંયા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ કરી રહ્યા છે. લૌકિક વૈદિક આપણે છોડશું તો ક્યાંક અપકીર્તિના ભોગ બનશું, અહીં ના કહીં અપકીર્તિ હોયગી. તો લૌકિક વૈદિક કાર્ય કપટ યુક્ત મન રહિત અહીંયા આપણે કરવાની છે. આચાર્ય ચરણ ની પણ આજ્ઞા, શ્રી રાય મહાપ્રભુની આજ્ઞા નો વિચાર ચિંતન આપણે કરતા રહીએ. વિષય તો ઘણો લાંબો છે પણ સમય ઘણો થઈ ગયો છે, એટલે આજ વિષય ઉપર આપણે આવતા શનિવારે, અગલે શનિવાર કુ અપન સત્સંગમાં યહી વિષય કુ આગે બઢાયેંગે. ઇતિ શ્રી હરરાયજી કૃત પંચમ શિક્ષા પત્ર, શ્રી ગોપેશ્વરજી કૃત વ્રજ ભાષા ટીકા સમેત સંપૂર્ણ. બોલો શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુને કી જય. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ પ્યારે. હવે શ્રી હરિરાય પ્યારે કી જય આશ્રય ગાન કરી અને આપણે બધા હવે છૂટા પડશું, અને આવતા શનિવારે બધા જરૂરથી લાભ લેજો સત્સંગનો. હેલો મનોજ છે? વર્ષાબેન તમે લઈ લો. ભાનુબા, ભાનુબા નું માઈક ઓન કરી દે. ભાનુબેન લખેલું છે? હા, ભાનુબેન છે આપણે યુકે થી. ઓકે, હા યસ, ભાનુબા લઈ લો. હા, દંડવત પ્રણામ વાલા, ખૂબ ખૂબ વધાઈ બાલક ને. ગમે તે બોલી શકું ને આશ્રય નું? ગમે એટલે આશ્રય નું હોવું જોઈએ પછી. હા, આશ્રય, આશ્રય એટલે તમારું બનાવેલું નથી ને? તમારું બનાવેલું છે? ના બાપા, ના ના વાલા, આપણે ક્યાંય બોલીએ? આપણે મને તો એવા યાદ નથી રહેતા લાલા. લઈ લો, ના તો ના, દ્રઢિયન નો બોલે ને એટલા માટે મેં આપને. હા, દ્રઢિયન છે તો પછી તુમ શરણાગત કોઈ પણ લઈ લો, કોઈ પણ. હા, જે ભી તમને આવડતું હોય કંઠસ્થ હોય હૃદયારૂ. હા, બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. લીજે મોહે ભુલાયે શ્રી વલ્લભ, લીજે મોહે ભુલાય, લીજે મોહે ભુલાયે શ્રી વલ્લભ, લીજે મોહે ભુલાય. બહોત દીન
દર્શન ગયો મોકો બહોત દીન દર્શન ગયો મોકો તાતે મન કુલાય શ્રી વલ્લભ લીજે મોહે બુલાય લીજે મોહે બુલાય શ્રી વલ્લભ લીજે મોહે બુલાય નિષ્દિનાતી ક્ષીણ હોતન કો નિષ્દિન આતી ક્ષીણ હોતન કો ગબુદ ગાઈ ભૂલા શ્રી વલ્લભ લીજે મોહે ભૂલા લીજે મોહે ભૂલાય શ્રી વલ્લભ લીજે મોહે ભૂલાય ગોવિંદ પ્રભુ તુમારે દર્શન બિન ગોવિંદ પ્રભુ તુમારે દર્શન બિન યુગ બાર કલ્પ વિહાય શ્રી વલ્લભ લીજે મોહે ભૂલા લીજે મોહે ભૂલા શ્રી વલ્લભ લીજે શ્રી વલ્લભાદી શક્તિ જે ચાલો સર્વ વલ્લભપુર પરિવાર કી